दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो हम आपकी पढ़ाई के लिए एक सुनहरा मौका लेके आए हैं। आप SSC CGL के अगर एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि 20,000 लगभग वैकेंसी SSC CGL 2022 में निकली हुई है। तो इसकी अच्छी तैयारी के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्जुन बैच। तो ज्यादा से ज्यादा इस बैच के साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड दीजिए। इसमें क्या होगा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट कंटेंट कि हाँ आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ना है, ठीक है। ये पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी इस बैच के थ्रू। तो अपने को क्या करें, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। और अभी तक अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको लास्ट तक अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और हम करने वाले हैं आज परसेंटेज का एक क्लास सेकेंड, और इससे पहले हमने एक परसेंटेज की वीडियो कर रखी है जिसमें हमने पूरा उसका बेसिक बताया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बता रखा है। और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, आज के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 33 होल 1/3% ऑफ 240। और हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी, 64% डिवाइड बाई 40% ऑफ 80, ठीक है। इसको कैसे करेंगे दोनों क्वेश्चन को, तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, परसेंटेज में जो वैल्यू दिख रही है मेन फोकस उस पर करना है। तो ये जो परसेंटेज में दे रखा है 33 सही 1/3, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/3। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो कितने से हो रहा है, 240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो रहा है तो यहां से कैंसिल कर देंगे, ये 8 टाइम और 0 कितना हो जाएगा 80, जिसका आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा 80। सिमिलरली इसको हम करेंगे, तो यहां पहले क्या सॉल्व होगा, यहां पे पहले ध्यान रखिएगा डिवाइड से पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना दे रखा 64% डिवाइड बाय, अगर हम इसका 40% निकालेंगे 80 का तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 0, 100 में 2 0 होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन कर लेते हैं, तो 64% में दे रखा है डिवाइड बाय कितना है 32, यहां से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। और ये किसमें दे रखा है, परसेंटेज में, अगर हमें इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आना है तो क्या लिख सकते हैं 0.02 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से इन क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 0.1% डिवाइड में दे रखा 0.0001%, इसका मल्टीप्लाई कर रखा 0.001%, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 20% ऑफ 30% ऑफ 50% ऑफ 80, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये है और क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉइंट में दे रखा है, तो इसमें करेंगे क्या, हम देख लेंगे ऊपर जो डिजिट दे, ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो क्या हम इस पॉइंट को कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो गया, ये पॉइंट यहाँ से, और 4 डिजिट नीचे है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं 1%, नीचे भी ये क्या है 0 0, मतलब 1% है, 001 करके या 1 करके ऐसे, ठीक है। ये कितना है, ये भी हमारा 1% है, तो ये 1% के साथ, ये 1% के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/100, और एक और कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, हमने बता रखा है कि जो वैल्यू परसेंट में दी हो उसको आप किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें कितने से रखा है 20%, 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5, सिमिलरली इसको 3/10 और इसको 1/2 और इसका इतना परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1/5, आपका मीनिंग मल्टीप्लाई से, ये 3/10, इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/2, और किसका हो रहा है 80 का, तो
यहां से हम देख पा रहे हैं कि 5 टू जा 10 होगा और 10 नीचे कितना बन जाएगा, 10 10 जा 100, तो नीचे हो जाएगा 100। अब ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 और एक जीरो है तो जीरो लगा देते हैं। तो हम यहां से देख पा रहे हैं अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2.4, ठीक है। बढ़ते हैं, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 25 मल्टीप्लाइड बाय 480, ये किसमें है परसेंट में, प्लस 16 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 600, ठीक है। दूसरा भी हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कह देते हैं इसको। तो ये कितना दे रखा है 75 मल्टीप्लाइड बाय 640 परसेंट प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 320, ये किसमें है परसेंट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक कांसेप्ट हमने बता रखा है कि जब कोई छोटी नंबर और बड़ी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस केस में क्या हो, बड़ी नंबर के पीछे परसेंटेज लगा हो तो हम उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं अपनी छोटी वाली नंबर पे। तो सिमिलरली हम यहां देख पा रहे हैं कितना है 480% है, तो इस परसेंटेज को हम यहां शिफ्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो बड़ी नंबर के पीछे परसेंट है तो इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, और सिमिलरली यहां सॉरी यहां भी परसेंट है तो इसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25%। अब 25% को हम आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई, ये कितना है 480 प्लस, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/6 और इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है 600 से, तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 12 टाइम, और ये कितने टाइम चला जाएगा तो ये 100 टाइम, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कितना निकल के आ रहा है 120 और ये 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 220, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं परसेंटेज को शिफ्ट करके। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कुछ वैसा ही करेंगे, यहां पे जो परसेंटेज दे रखा है बड़ी नंबर के पीछे उसको हम अगली नंबर पर शिफ्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 75%, और 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 और ये मल्टीप्लाई में 64 और 0, ठीक, प्लस ये कितना दे रखा है 150, ये परसेंटेज हम यहां लेके आएंगे तो 150 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 320, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये भी 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं 16 3 का कितना होता है 48 और एक जीरो है, यहां सिमिलरली 48 और 0, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 960 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। कुछ इस टाइप है, टू एट्टी नाइन मल्टीप्लाई 41 होल 3/17% प्लस 960 मल्टीप्लाइड बाई 8.33%, ठीक है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी क्या होगा, जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उनको हम किसमें कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ये कितना दे रखा है, इसको हम क्या करें, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, फिर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिक्स के बाद हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 289 और इसकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ गया 700 और नीचे 17, और परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं प्लस, इधर देख लें ये कितना है, और हाँ इसको क्या लिख सकते हैं 8.33 को क्या लिख सकते हैं, हम 1/12 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में अगर लिखें। अब यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, और ये 17 का स्क्वायर ही तो लिखा है तो ये 17 टाइम कैंसिल हो गया, 17 7 का कितना होता है 119, इसको देखते हैं ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 199, इसका आंसर कितना आएगा 199, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे,
तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, 1200 डिवाइड बाय 20% ऑफ 60 रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1.5% ऑफ 1600। इसको कैसे करेंगे, यहां पे हमें जो क्वेश्चन मार्क है ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप आसानी से, इसको कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। यहां पे हमें क्या दे रखा है, 1200 फिर डिवाइड फिर ऑफ। तो हमने क्या बताया, पहले केस में क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। पहले केस में क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो ये कितना है, 1200 लिख लेते हैं, इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये भी हमारा 1200 और नीचे डिवाइड में कितना आएगा, 100। ठीक है, ये कह सकते हैं सर। फिर ये क्वेश्चन मार्क इधर अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, इसका हम इतने परसेंट निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से, और ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 24। ठीक है, फिर हम देख पा रहे हैं यहां से कि ये 1200 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो, फिर 1200 डिवाइड बाय कितना है, 12 माइनस क्वेश्चन मार्क इधर कितना है, 24। ठीक है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं ये कितना कैंसिल हो गया, तो ये कितना हमारा निकल के आ रहा है, ये 100 माइनस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इधर कितना है, 24। फिर इसको हम इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी इतनी, और इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 76 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 76 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5776। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5776 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर 9, कुछ इस टाइप में है। इसमें कहा गया 36% फिर ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 32/7% ऑफ 4585, फिर इसको होल को डिवाइड किया गया 0.15 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इधर दे रखा है एक्स मल्टीप्लाइड में 27। यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, कैसे हम इसको आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखते हैं यहां पे जो 36% दे रखा है इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलरली इसको अगर हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर 1 ऐड कर देंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आ जाएगा 224 और 1 225। इसको क्या लिख सकते हैं, 225/7 और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 4585 लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब इस पूरे को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, इस पूरे को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 0.15। तो अगर हम डिवाइड का साइन ना लगाएं या मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। अब जस्ट उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद और नीचे क्या बचेगा, 15। ठीक है, इस पूरे की किसके इक्वल है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 27। ठीक, अब हम इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 100 से पूरा 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखो 15 से पूरा कितने टाइम चला जाएगा, 15 टाइम, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है, और ये 7 से कितने टाइम चला जाएगा हमारा, तो 7 से ये चला जाएगा 6555। ठीक, अब हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर और सॉल्व करें तो हमारा ये इसको देख लेते हैं, इसको 9 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ओके, इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, और इसको अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम। तो यहां से 1/25 ब्रैकेट के बाहर बच रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं पूरा 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 15
और ये कितना है हमारा 655 ब्रैकेट में, इधर क्या बच रहा है 3 इंटू एक्स। ठीक है, जब हम यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा ये, और नीचे क्या बच रहा है 5, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 655, और इसको डिवाइड कितने से करना है 5 से, तो 5 वन जा 5 कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15 और अगेन 5 वन जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 131। इसको ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया 1/3 का कितने प्रतिशत 1/2 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ लिख लेते हैं, तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने वाली बात है यहां पे कि हमको किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा है, हमको किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा है, यह बात समझने के लायक है यहां पे। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 1/3 का मतलब 1/3 के रिस्पेक्ट में ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसको क्या रखेंगे हम, इसको ऊपर रखते हैं, तो 1/2 किसके रिस्पेक्ट में पूछा है 1/3 के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो कितना लिख देंगे 1/3। अब प्रतिशत में पूछा है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम देख पा रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना निकल के आ जाएगा ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से हम देख पा रहे हैं इसको कैंसिल करें 50 टाइम और 53 जा 150। ठीक है, ये किस में होगा परसेंट में, तो कितने परसेंट होगा 150%। सिमिलरली इसको कर लेते हैं, तो यहां हमसे पूछा गया 1/3 का कितने परसेंट 2/3 है, तो जिसको पूछा गया उसको हम क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2/3 किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो 1/3 के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज में लेके आना है। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 100%, तो यहां से कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी 200%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा गया, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। लोग क्या करते हैं इसको ही निकाल देते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाता है वहां गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा गया है यदि पी क्यू का नहीं से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है, तो क्यू पी से कितने परसेंट छोटा है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे, तो इसमें क्या कहा गया है जो पी है क्यू से 6 गुना बड़ा है, मतलब पी क्या होगा, अगर पी 6 है तो क्यू कितना होगा, क्यू 1 होगा, अगर पी 6 है तो क्यू कितना होगा 1। यहां पर हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत छोटा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्यू इससे कितने ईयर छोटा है, कितने ईयर का डिफरेंस है, तो 5 का। ठीक है, कितना डिफरेंस है 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 5/6, और इसको परसेंट में लेके आना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 500 नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू हमें पता है कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को लिखते हैं 16.66%, तो इसी का 5 गुना क्या देख पा रहे हैं, ये 5 टाइम ही तो है, ये 5 टाइम है इसका, तो इसका हम क्या कर लेते हैं 5 टाइम कर लेते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा 83.33%। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक,
तो ये क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 में हमसे कहा गया है y का x परसेंट प्लस x का y परसेंट ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमसे इसमें कहा गया y का x परसेंट, तो जब परसेंट निकालते हैं और का क्या है मल्टीप्लाई, तो y x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा x y, ये परसेंट में होगा, ये भी किसमें होगा परसेंट में। तो हम देख सकते हैं ये क्या है वैल्यू सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 2xy परसेंट। तो इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2% ऑफ xy। ठीक है, और यही क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है यदि, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि b का 60% a है, b का 60% a है, तो a का कितने प्रतिशत b है। ठीक है, क्वेश्चन में ही हमसे कुछ बोला गया, तो इसके लैंग्वेज पे हमें विशेष ध्यान देना है। यहां पे हमसे क्या कहा गया है यदि b का 60% a है तो a का कितने परसेंट b होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं कि b का 60%, तो इसको लिख सकते हैं क्या 60% ऑफ b इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं 60% ऑफ b, ये किसके बराबर है a के। तो हम यहां a और b की क्या करें रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो ये हमारा कैंसिल, ये इसको परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/5। कितना आ जाएगा 3/5। तो हम कह सकते हैं कि क्या है a कितना है हमारा, यहां से a देख पा रहे हैं कितना है, तो a है हमारा 5, सॉरी यहां से हम अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि a का कितने परसेंट b है। ठीक है, a का कितने परसेंट b है, तो हम किसको निकालेंगे, b को ऊपर रखेंगे, a को रिस्पेक्ट में पूछा गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से तो b कितना है 5, नीचे कितना है 3। ठीक, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 166.66%। कितना निकल के आ जाएगा 166.66%। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है एक संख्या का 37.5% उसी संख्या में अगर जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, 729 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी है पहले उस पर गौर करते हैं। तो वो कितनी दे रखी है, ये लिखा हुआ है 37.5%। ठीक, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना 1/8। ठीक है, इसको हमने बताया है कि इसको कैसे हम 1/8 लिखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि वो नंबर क्या होगी, तो नंबर मान लेते हैं क्या होगी, नंबर हमने माना, नंबर को अगर x मान ले तो कहा गया इतना उसी संख्या में जोड़ते हैं, तो 1/8 एक्स किसमें, उसकी स्वयं में, मतलब संख्या में, तो कितना प्राप्त होता है 729। फिर हम यहां से देखते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको आगे कैंसिल कर आगे सॉल्व करेंगे तो 9x/8 ये कितने बराबर है 729 के। तो यहां से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम, 81 टाइम। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 8 और 8 64। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वो नंबर निकल के आ गया कितनी 648, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें क्या कहा गया एक संख्या का 57.14% उसी संख्या में से घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 360 प्राप्त होता है, तो संख्या बतानी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे,
तो इसमें जो हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है कितनी है 57.14%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4/7। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि एक संख्या का इतने परसेंट उसी संख्या में से घटाया जाता है। तो मान लेते हैं संख्या x होगी, इसका इतना परसेंट यानी मल्टीप्लाई x, घटाने पे क्या प्राप्त होता है, 360 प्राप्त होता है। तो हम इसके बराबर कर लेते हैं, फिर यहां से देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x/7 किसके बराबर है, 360 के। यहां से कैंसिल कर देते हैं इसको 120 टाइम। अब 7 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 और ये 0, तो कितना आंसर हो गया, 840। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसको टिक कर देंगे। हाँ दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, वो नंबर क्या होगी जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो नंबर क्या होगी, वो नंबर x होगी हमारी। ठीक, अगर नंबर x है तो इसका 52% लिख देते हैं, 52%, और इसको परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करेंगे नंबर का, तो नंबर हमारा x है। क्या कह रहा है, उससे इतनी अधिक है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 84 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां से कैंसिल कर लेते हैं, यहां से जब कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे और इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसमें से 26 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 24x नीचे 50, इधर कितना होगा, 84। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम इसको और क्या कैंसिल कर सकते हैं, इसको 12 से कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम, इसको 12 से कैंसिल करते हैं 7 टाइम। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 25 टाइम, तो x इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 7 × 25। इसको कन्वर्ट करते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 7 हमें क्या पता है, 7 × 25 का 6 टाइम कितना होता है, 150, और 25 और ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 157। तो कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, तो उसको टिक कर देना। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।